नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है जोधपुर से बांद्रा टर्मिनल्स के बीच चलने वाली सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 12479 12479 जोधपुर बांद्रा टर्मिनल सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह हफ्ते में सातों दिन चलने वाली डेली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। बात करें अगर इसके ट्रेवल टाइम की तो जोधपुर से बांद्रा टर्मिनल की टोटल डिस्टेंस 937 किलोमीटर को लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 16 घंटे और 50 मिनट में कवर करती है और इस ट्रेन की परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें इस ट्रेन में लोकोमोटिव की तो जोधपुर जंक्शन से अहमदाबाद तक भगत की कोठी लोको सेट का WDP4, WDP4B या WDP4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है और अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस तक वडोदरा लोको सेट का WAP4E, WAP5 या WAP7 इनमें से कोई एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं बात करें अगर इस ट्रेन में कोच की तो इस ट्रेन में नॉर्मल ICF रेक के कोच हैं जिनमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास व जनरल अनरिजर्व के कोच हैं जिनका जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया AC फर्स्ट का किराया 3,055, सेकेंड AC का किराया 1,795, थर्ड AC का किराया 1,255 रुपये और स्लीपर क्लास का किराया 475 रुपये और वहीं जनरल अनरिजर्व का कोच का किराया 257 रुपये है। दोस्तों, यह अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेटेड किराया ज़रूर चेक कर लें। इस ट्रेन का जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस तक कुल 16 स्टेशनों पर ठहराव है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव है और वहाँ इसका टाइम टेबल क्या है। ट्रेन नंबर 12479 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते के सातों दिन जोधपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शाम 6:45 पर रवाना होती है और जोधपुर से रवाना होने के बाद यह ट्रेन पहुंचती है लूनी जंक्शन शाम 7:13 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 7:15 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पाली मारवाड़ 7:44 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 7:49 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मारवाड़ रात 8:30 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 8:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है रानी 9:10 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 9:12 पे रानी से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है फालना 9:28 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है जवाई बांध 9:54 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 9:56 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पिंडवाड़ा 10:26 पे और करीबन 1 मिनट ठहराव के बाद 10:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है आबू रोड रात 11:17 पे और 10 मिनट ठहराव के बाद 11:27 पे आबू रोड से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पालनपुर जंक्शन रात 12:58 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद रात 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मेहसाणा जंक्शन 1:49 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 1:51 पे मेहसाणा जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अहमदाबाद जंक्शन रात 3:30 पे और करीबन 25 मिनट ठहराव के बाद 3:55 पे अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। अहमदाबाद जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है, डीजल से इलेक्ट्रिक में चेंज होता है।
और यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 456 किलोमीटर की यात्रा कवर कर लेती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है आनंद जंक्शन 4:57 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 4:59 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन 5:40 पे, करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 5:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अंकलेश्वर जंक्शन सुबह में 6:46 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 6:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सूरत 7:38 पे, और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 7:43 पे सूरत से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज बोरीवली 10:47 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 10:49 पे बोरीवली से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज बांद्रा टर्मिनस 11:35 पे, और यहाँ तक अपनी 937 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 12479 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।